हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी फोर्स एंड फ्रिक्शन का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पल्स की सो लेट्स स्टार्ट तो इम्पल्स की हम बात कर रहे हैं तो इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है तो इम्पल्स से पहले हम पढ़ेंगे कि वॉट इज इम्पल्सिव फोर्स ऐसे फोर्सेस जो बहुत स्पीडली वेरी करते हैं उनको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं अब आप समझना बच्चों बहुत स्पीडली वेरिएशन कहां से आता है जैसे स्पीडली वेरिएशन ऐसा फोर्स जो स्पीडली वेरी कर रहा है स्पीडली सो द फोर्सेस द फोर्सेस विच आर स्पीडली वेरिएबल सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं स्पीडली वेरिएबल स्पीडली वेरिएबल मतलब बहुत जल्दी स्पीड से वेरी कर जाते हैं वो उनको कहते हैं इंपल्सिव फोर्सेस इसका एग्जाम्पल आपको जो मिलेगा इंपल्सिव फोर्स का वो है हिटिंग की बात करें हम अगर आप किसी भी चीज को हिट करते हो तो हिटिंग के लिए जो फोर्स लगता है वो बहुत स्पीडली इंक्रीज होता है जीरो से मैक्सिमम तक और मैक्सिमम से अगेन जीरो तक फॉर एग्जाम्पल हीटिंग बाय हैमर टू द नेल जैसे कोई नेल आपने ली और हैमर से हिट किया तो हैमर ने नल पर कौन सा फोर्स लगाया इम्पल बिकॉज हैमर नेल पर जो फोर्स लगाएगी वो क्या करेगा बहुत स्पीडली वेरिएबल है जब तक कॉन्टेक्ट नहीं होता कॉन्टेक्ट में आते ही फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है और नेल अंदर चली जाती है तो फोर्स ज़ीरो हो जाता है सिमिलर मैं आपको कह रहा हूँ हीटिंग की बात करें तो हिटिंग में अब क्रिकेट बॉल को भी हिट किया जाता है तो क्रिकेट बॉल को अगर बैट से हिट करोगे तो बॉल ने पर बैट ने कितना फोर्स लगाया पहली बात भी बताओ बॉल पर बैट ने कौन सा फोर्स लगाया हम कहेंगे इंपल्सिव फोर्स कांस्टेंट फोर्स ने लगाया इंपल्सिव फोर्स इंपल्सिव मतलब बहुत स्पीडली वेरी करेगा जो बॉल कांटेक्ट में आई बैट ने हिट किया और बॉल वापस कांटेक्ट से हट, हट गई और हिटिंग के बाद बॉल पर स्ट्राइक हुआ स्ट्रक हुआ बॉल दूर चली गई तो फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल एक फोर्स लगता है और उसी टाइम शॉर्ट इंटरवल के लिए वो स्पीडली वेरी भी कर जाता है जैसे हिटिंग ही एग्जाम्पल है तो फोर्स अपनी जीरो से मैक्सिमम तक और मैक्सिमम से अगेन जीरो शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम में तो शॉर्ट टाइम में जो फोर्स वेरी करते हैं जो फोर्स वेरिएबल है शॉर्ट टाइम के लिए स्पीडली वेरिएबल फोर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड इंपल्सिव फोर्सेस अब इंपल्सिव फोर्सेस जहां पर एक्ट होते हैं तो वहां पर फोर्स को निकालना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्स यहां पर क्या कर रहा है बहुत स्पीडली वैरी कर रहा है तो आपसे अगर फोर्स की वैल्यू पूछे तो आप क्या कहोगे जीरो जीरो से अपने इंस्टेंटली मैक्सिमम और इंस्टेंटली वापस जीरो हो गई तो इस समय हम फोर्स की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते तो हम इस समय फोर्स की वैल्यू नहीं निकालते तो हम क्या निकालते हैं हम यहां पर निकालते हैं इंपल्स राइट तो आप देखो बेटा इंपल्स क्या होता है इंपल्स की डेफिनेशन सबसे पहले सुने वेन अ लार्ज फोर्स इज अपलाइड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवेल अब ये लार्ज फोर्स कौन सा होगा ये जो लार्ज फोर्स आप कह रहे हो ये कौन सा फोर्स होगा इंपल्सिव फोर्स ये जो फोर्स है यह इम्पल्सिव है बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवेल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवेल इज नॉन एज इंपल्स अब यहां पर देखो डेफिनेशन में आया जो पॉइंट वो क्या है इम्पल्स को हम आई से नोट करेंगे इम्पल्स को आई से आई वेक्टर आई इक्वल्स टू क्या रिलेशन आया देखो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल तो कितने टाइम के लिए एक्ट हुआ डेल्टा टी टाइम के लिए तो डेल्टा टी टाइम के लिए एक्ट हुआ तो टाइम इंटरवल इनटू फोर्स अब फोर्स जो यहां पर लिया जाएगा मैंने तो लिख दिया एफ बट आपको पता है वेरिएबल फोर्स है बहुत जल्दी वेरी करता है तो फोर्स जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है उसमें कौन सा फोर्स लिया जाता है एवरेज फोर्स तो इंपल्स में हमेशा कौन सा फोर्स यूज होगा एवरेज फोर्स सो इंपल्स के लिए आपको ये ये डेफिनेशन डेफिनेशन के बाद फॉर्मुला मिला आपको राइट right? अब आप इसके बाद आगे चलें तो जब आपको फॉर्मूला आपको मिल गया है तो आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं पहले मैं इसकी यूनिट और डायमेंशन डिस्कस कर लूं फिर आगे पढ़ते हैं इसको यूनिट क्या होगी फोर्स की यूनिट है न्यूटन और टाइम की यूनिट सेकेंड तो इम्पल्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं डायमेंशन डायमेंशन क्या होगी फोर्स की डायमेंशन होती है एम वन एल वन टी माइनस टू फोर्स की क्या होती है टी माइनस टू तो यहां पे टी और आया तो माइनस टू इंटू टी क्या हो जाएगा माइनस वन सो इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल वन टी माइनस वन क्लियर अभी बताओ फोर्स इंपल्स कैसी क्वांटिटी है इंपल्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कहेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी अब अगर ये वेक्टर है तो अगर ये वेक्टर है तो, वेक्टर है, तो आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो सभी वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है तो यहां पर हम डायरेक्शन डिस्कस करें तो इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इंपल्स के सामने क्या आ रहा है फोर्स तो इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी जो डायरेक्शन आपके फोर्स की होगी दिख रहा है क्लियरली I कोस टू एफ इन डेल्टा टी सो द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इंपल्स प्रोवाइड होगा सो इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब आप देखो आगे नेक्स्ट इंपल्स के आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे इंपल्स के लिए डायमेंशन हो, हो गया तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए आगे चलें, तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं इम्पल्स मोमेंटम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तो इम्पल्स निकालने का एक फॉर्मुला तो हमने पढ़ लिया तो दूसरा फॉर्मुला जो है वो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में मिलता है तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है वो देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इसमें आप देखो न्यूटन सेकेंड लॉ यूज होता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या पढ़ा था हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ठीक है तो यहां पर जब जो केस इम्पल्स का है इसमें कौन सा फोर्स एक्ट होगा एवरेज फोर्स तो एवरेज फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी So, यहां से डेल्टा पी अगर कैलकुलेट करें तो डेल्टा पी की वैल्यू होगी एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी टाइम राइट और आपको ये पढ़ चुके हो कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स तो यहां पे इंपल्स लिखोगे आई और यहां पर क्या आ गया डेल्टा पी राइट सो द इम्पल्स की वैल्यू या इंपल्स के लिए रिलेशन देखो इंपल्स इक्वल्स टू क्या आ गया डेल्टा पी इंपल्स इक्व टू डेल्टा पी डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम इंपल्स इक्व टू डेल्टा पी डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम वी माइनस यू एम वी इज फाइनल मोमेंटम एंड एम यू इज इनिशियल मोमेंटम सो इंपल्स इक्व टू चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू ये है इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन इट इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के लिए स्टेटमेंट क्या लिखोगे स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द चेंज इन द चेंज इन मोमेंटम द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी डेल्टा पी है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इज इक्वल टू बताओ क्या बोलोगे इक्वल टू इज इक्वल टू आई आई क्या है इम्पल्स है इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू इम्पल्स प्रोवाइडेड इज इक्वल टू इम्पल्स प्रोवाइडेड टू बॉडी इम्पल्स प्रोवाइडेड टू बॉडी तो बॉडी को प्रोवाइड होने वाला इम्पल्स किसके इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के मोमेंटम में चेंज क्या होगा डेल्टा पी डेल्टा पी में मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और पी फाइनल हमने इसको लिखा है एम वी वी फाइनल वलोसिटी है सो फाइनल मोमेंटम इज एम वी एंड एम यू एम यू इज इनिशियल मोमेंटम सो देर इज चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू इम्पल्स इट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थियरम क्लियर तो इम्पल्स के बारे में और अगर हम बात करें आगे तो इम्पल्स की हम बात करें तो आई के लिए हमने रिलेशन पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट देखो आई के लिए आपने रिलेशन पढ़ा यह था फोर्स एवरेज इंटू डेल्टा टी राइट तो फोर्स एवरेज इंटू डेल्टा टी अब डेल्टा टी को अगर हम डिफिस को अगर हम आप देखो इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखे तो डी आई इंपल्स में चेंज इक्व टू आएगा फोर्स एवरेज इन टू डी टी सो डेल्टा टी तो होता है टाइम इंटरवल शॉर्ट टाइम इंटरवल डी टी आपने लिख दिया ये स्मॉल टाइम इंटरवल हो गया और स्मॉल टाइम इंटरवल हो गया तो इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म इसको ऐसे लिखा जाएगा राइट अब देखो इसके बाद इस रिलेशन को हम यहां से इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इधर भी इंटीग्रेट कर लो इधर भी इंटीग्रेट कर लो तो डी का इंटीग्रेशन तो होगा आई आई इक्वल्स टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो इंपल्स कैलकुलेट करने का एक रिलेशन और हम कह सकते हैं बिकॉज ये एफ इन टू आ रहा है तो डी बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होगा तो उसका इंटीग्रेशन करके आप इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हो सो इंपल्स का रिलेशन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम राइट right? अब जहां भी इंटीग्रेशन आता है मैंने आपको बताया जहां पर इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन का ऑल्टरनेट क्या होता है इंटीग्रेशन का ऑल्टरनेट क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन का ऑल्टरनेट होता है एरिया अंडर द ग्राफ तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इंपल्स अगर हमें चाहिए तो इंपल्स इक्वल्स टू क्या होगा इंपल्स होगा एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर द कर्व किस ग्राफ का किस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व कहा मिलेंगे हम एरिया अंडर द कर्व ऑफ विच ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ इज कॉल्ड इंपल्स ये भी हम कह सकते हैं पॉइंट तो एक पॉइंट आपका इंपल्स का फॉर्म लाइए रहा एक पॉइंट इंपल्स के लिए ये भी कह सकते हैं हम तो इंपल्स के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा सिंपली इनिशियली पढ़ा था फोर्स इनटू टाइम वो एक सिंपल फॉर्मूला है जब फोर्स वेरी कर रहा है वेरिएबल फोर्स हम ले रहे हैं तो यहां पर वेरिएबल लेंगे तो यहां पर जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये एफ एवरेज नहीं सिंपल एफ लिखा जाएगा यहां पर ये यह फोर्स आप ले लोगे एफ फोर्स यहां पर वेरिएबल होगा तो सिंपली एफ जो होगा वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए एफ इज प्रपोजनल टू टी होना चाहिए राइट तो एफ प्रोपोर्शनल टू टी होगा तो नेक्स्ट रिलेशन आपको ही मिला कि एफ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी दी जाएगी तो आप फोर्स को इंटीग्रेट करके भी क्या निकाल सकते हो आई फिर नेक्स्ट फोर्स और टाइम का ग्राफ बिकॉज एफ टी पर डिपेंड करेगा तो एफ ऑफ टी के बीच में ग्राफ भी दिया सकता है तो ग्राफ अगर मिल जाए तो इंपल्स कैसे कैलकुलेट करोगे एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ राइट अब आप देखो फोर्स टाइम ग्राफ के लिए फोर्स टाइम ग्राफ की बात करें अगर तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको फोर्स टाइम ग्राफ सपोज करें फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है ये एफ हो गया ये टी हो गया ग्राफ से क्लियर है आपको कि फोर्स जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया और फिर डाउन होके टी वापिस किस पर्टिकुलर टाइम पर वापिस फोर्स जीरो हो गया तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आपको अगर इंपल्स निकालना है ये पॉइंट हो गया ओ ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी तो अगर आपको इंपल्स कैलकुलेट करना है आई कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है यहां पर फोर्स टाइम ग्राफ तो फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है तो आपको पता है एफ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंपल्स होता है तो यहां पर इंटीग्रेशन तो करना नहीं है यहां पे क्या दिया है ग्राफ तो ग्राफ के लिए क्या होगा एरिया अंडर द कर्व तो यहां पर एरिया क्या होगा बताओ एरिया अंडर द कर्व यहां पे कर्व कैसा दिख रहा है ट्राइंगुलर तो ट्राइंगुलर आएगा यहां पर लिखोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इस ट्राइंगल का अगर आपने एरिया भी निकाल दिया इसका मतलब आपने क्या कैलकुलेट कर लिया इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया क्लियर तो ये सारे फॉर्मूले या ये सारे रिलेशन हमने पढ़े इम्पल्स के एक बार आप देख लो इम्पल्स के लिए सबसे पहला डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जो फोर्स हम लेंगे प्रोडक्ट के लिए वो एवरेज फोर्स लेंगे पहला फॉर्मूला फोर्स का सॉरी इंपल्स कैलकुलेट करने का फर्स्ट फॉर्मुला सेकेंड हमने पढ़ा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तो इंपल्स कैलकुलेट करने का सेकेंड फॉर्मूला आप डेल्टा पी निकाल लो या फिर ये डेल्टा पी मीन्स क्या होगा चेंज इन मोमेंटम निकाल लो ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे सो द चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉडी थर्ड हमने पढ़ा इंपल्स का एक नेक्स्ट रिलेशन ये रहा i इकोस टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या तो इंपल्स निकालना है तो फोर्स का इंटीग्रेशन कर लो और फोर्थ रिलेशन हमने पढ़ा अगर आपको इंपल्स निकालना हो और अगर अग्राफ दे रखा हो तो i कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से ठीक है तो ये एरिया निकाल दिया एरिया निकालोगे तो क्या निकल जाएगा इंपल्स निकल जाएगा तो हमने इम्पल्स निकाल लेंगे सारे रिलेशन पढ़ लिए अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊं इम्पल्स का कैसे न्यूमेरिकल आता है देखो सबसे पहला इसका लेते हैं अ फोर्स ऑफ़ न्यूटन बॉडी फॉर थ्री माइक्रोसेकेंड फोर्स न्यूटन डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है मास दे दिया फाइव ग्राम फाइव ग्राम सो फोर्स ऑफ टेन न्यूटन एक्स बॉडी फॉर थ्री माइक्रोसेकेंड इफ मास इज फाइव ग्राम कैलकुलेट द इम्पल्स एंड चेंज इन वेलोसिटी दिख रहा है आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट इम्पल्स एंड चेंज इन वेलोसिटी फोर्स कितना दिया टेन न्यूटन बॉडी पर लगा दिया थ्री माइक्रोसेकेंड के लिए मास ऑफ द बॉडी कितना है फाइव ग्राम कैलकुलेट इम्पल्स एंड द चेंज इन वेलोसिटी राइट तो इम्पल्स एंड चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा है तो हम ये निकाल सकते हैं देखो फोर्स टाइम मास मास फाइव ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं मास फाइव ग्राम ए किलोग्राम में क्या होगा फाइव इन टू टेन टू पावर माइनस थ्री किलोग्राम यूनिट सिस्टम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन के लिए कोई भी न्यूमेरिकल करोगे डेटा नोट करोगे यूनिट सिस्टम चेक करोगे प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम एस आई सिस्टम एम के सिस्टम में उनको कन्वर्ट करोगे ठीक है अब कैलकुलेट करें इंपल्स तो इंपल्स कैलकुलेट करने को बोला है फर्स्ट तो आई क्या होता है फोर्स एवरेज इनटू टाइम इंटरवल तो टाइम इंटरवल क्या होगा थ्री माइक्रो सेकंड फोर्स एवरेज कितना होगा टेन और टाइम इंटरवल है थ्री माइक्रो माइक्रो मीन टेन टू पावर माइनस सिक्स प्रोवाइडेड टू द बॉडी आएगा थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव न्यूटन सेकेंड क्लियर तो ये इंपल्स की वैल्यू आ गई सिंपल इंपल्स फोर्स इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करना है अब इंपल्स के बाद इसने पूछ लिया था चेंज इन वेलोसिटी तो जब आपने इंपल्स निकाल लिया तो सेकेंड रिलेशन आपको पता है आई इक्व क्या होता है एम आई इक्व टू क्या होगा एम वी माइनस यू वी माइनस यू सो वॉट इज वी माइनस यू वी फाइनल वेलोसिटी है यू इनिशियल वेलोसिटी है सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी वी माइनस यू तो वी माइनस यूकोस टू क्या होगा आई अपॉन एम तो इंपल्स अपॉन मास कर लेंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पूछा था इसको डेल्टा वी भी लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी तो इंपल्स की वैल्यू है अपने पास तो इंपल्स की वैल्यू पुट कर दें थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव एंड मास कर दें मास कितना है फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री कैंसिल करें तो टेन टू पावर माइनस थ्री से माइनस फाइव कैंसिल होगा तो माइनस टू बचेगा और यहां पर आया थ्री बाई फाइव थ्री बाय फाइव मीन्स क्या हो जाएगा पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पार माइनस टू मीटर पर सेकेंड वेला होगी मीटर पर सेकेंड सो चेंज इन वेलोसिटी वेलाइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस टू मीटर पर सेकेंड या इसको पॉइंट जीरो जीरो सिक्स भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये हमने निकाल दिया सिंपल फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल था इंपल्स का चलिए एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं नेक्स्ट अ क्रिकेट बॉल क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एक बॉल मूव कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड से इज हिट बाय अ बैट सो दैट द बॉल गेट टर्न्स बैक विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड तो बॉल आई तो सही बैट पर 12 की स्पीड से और बैट ने हिट कर दिया तो गई कितनी स्पीड से ट्वेंटी की स्पीड से इफ द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल एंड बैट बॉल बैट का जो कॉन्टेक्ट टाइम है दैट विल बी जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड फाइंड द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एग्जेटेड ऑन द बॉल बाय द बैट तो इम्पल्स कितना दिया बैट ने बॉल को और एवरेज फोर्स कितना लगा बैट ने लगाया बॉल पर तो फोर्स भी निकालना है और इम्पल्स भी निकालना है तो यहां पर फोर्स और इंपल्स दोनों निकालने हैं तो इंपल्स बिकॉज फोर्स तो एबसेंट है एवरेज फोर्स तो तो जब हमारे पास फोर्स नहीं है तो इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए फोर्स का फॉर्मुला तो यूज होगा नहीं तो यहां पर इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मुला यूज करोगे एफ इन टाइम तो कर नहीं सकते बिकॉज फोर्स एवरेज तो पूछा है तो हम कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे एम वी माइनस यू अब ये फॉर्मूले में ध्यान से देखना बेटा वेलोसिटी वेक्टर है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर में डायरेक्शन के साथ लिखना है यहां सबसे बड़ी गलतियां होती है बच्चों से बच्चे क्या करते हैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे 20 पुट कर दिया फाइनल और इनिशियल 20 माइनस ट्वेल्व कर दिया और 8 आ गया 8 इंटू एम निकाल देते हैं दिस इज रॉन्ग समझ गए आप देखो अगर डायरेक्शन नहीं रखते हो आप तो आप क्या करोगे मास रख दोगे फाइनल वेलोसिटी आपको 20 दे दी इनिशियली आपको 12 दे दिया था आपने रख दिया 12 आंसर निकाल दिया 8m जो बिल्कुल गलत है रॉन्ग क्यों रॉन्ग है यहां पर वेलोसिटी है और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्शन अब डायरेक्शन की बात समझना देखो आप डायरेक्शन की बात समझे हम डायरेक्शन कैसे यहां पर यूज होगी देखो बॉल है राइट right? तो बॉल 12 की स्पीड से बैट की तरफ जा रही है क्लियर अब बॉल अगर 12 की स्पीड से बैट की तरफ जा रही है तो यहां पर यह बैट ले लिया मैंने ये बैट है तो बॉल कितनी स्पीड से आई 12 की स्पीड से और जब हिट होके जाएगी वापस, आके जब वापस रिटर्न होगी यही बॉल तो कितनी स्पीड से 20 की स्पीड से क्लियर तो आप इसमें 12 की स्पीड ऐसे 20 रिटर्निंग स्पीड रिटर्न बैक हो गया टर्न बैक हो गया तो आप देखना ध्यान से अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन आई कैप है और ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है क्लियर यहां माइनस आपकी गड़बड़ कर देगा इसलिए वेक्टर फॉर्म आपका यहां पर लेना जरूरी है ठीक है तो आप बताओ फाइनल वेलोसिटी में डायरेक्टली लिख रहा हूं देखो मास ऑफ द बॉल होगा चलो ठीक है फाइनल वेलोसिटी क्या है बॉल की फाइनली बॉल 20 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है तो यह आएगा 20 आई कैप ठीक है फिर जब आई थी बॉल तो इनिशियल स्पीड क्या होगी यहां पे डिफरेंस निकाला है माइनस एक ऑलरेडी है यू की वैल्यू में क्या पुट करूंगा माइनस ट्वेल्व आई कैप क्या क्लियर है इनिशियल स्पीड क्या है देखो 12 तो ये माइनस आई कैप होगा ना और फाइनल स्पीड क्या है ट्वेंटी वो प्लस आई कैप होगा तो ये तो हो गया प्लस का ट्वेंटी आई कैप और इनिशियल स्पीड माइनस बॉल आई इस तरफ थी और जा उस तरफ रही है। तो बैट से हिट करने के बाद गई तो बैट से हिट करने के बाद गई तो जाने की स्पीड ट्वेंटी आई कैप है तो आने की स्पीड क्या होगी माइनस ट्वेल्व होगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी अब यहां पर देखो आप एम की वैल्यू मास रख लें मास ऑफ द बॉल कितना दिया हुआ है वन ग्राम वन फिफ्टी इन टू टेन टू पावर माइनस थ्री और यहां पर ऐड कर देंगे 20 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस मतलब ही हो थर्टी टू आई कैप थर्टी टू आई कैप क्लियर तो यहां पर ये वैल्यू आपको मिल गई तो यहां पर एक जीरो कम कर देंगे तो 15 हो गया इन टू थर्टी टू हो गया इन टू टेन टू पावर माइनस टू हो गया ठीक है तो माइनस टू और ये आई कैप डायरेक्शन में मिल गई इसमें इंपल्स की इंपल्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है तो इंपल्स की आपको डायरेक्शन भी मिल गई तो यहां पे मैं आई लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म आई एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आई की वैल्यू मिली आपको 15 इंटू थर्टी टू इंटू पावर माइनस टू कैप अब आंसर निकालें इसका तो फिफ्टीन इंटू अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलती है फोर तो इंपल्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको आई इक्वल टू फोर एटी इंटू टेन टू पावर माइनस टू आई कैप तो माइनस टू अगर हम सॉल्व कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं फोर पॉइंट एट न्यूटन सेकेंड डायरेक्शन आएगी आई कैप ये इंपल्स की वैल्यू है सो so, इम्पल्स इम्पार्टेड या इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय बैट टू बॉल वो निकाला हमने 4.8 पॉइंट एट न्यूटन सेकेंड आई कैप क्योंकि बॉल आई बैट ने हिट किया तो बैट ने बॉल को क्या दिया इम्पल्स दिया और इम्पल्स की वैल्यू क्या है 4.8 पॉइंट एट न्यूटन सेकेंड क्लियर अब बैट ने बॉल पर फोर्स भी लगाया था फॉर शॉर्ट टाइम बॉल आई टकराई गई तो फोर्स भी लगा था तो फोर्स भी तो निकाल सकते हैं ना फर्स्ट तो आपने इम्पल्स निकाल दिया अब आप सेकेंड फोर्स निकाल सकते हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है आपको पता है इंपल्स की वैल्यू क्या होती है का I क्या होगा? तो आपको अगर फोर्स एवरेज चाहिए आई अपॉन टाइम इंटरवल इस न्यूमेरिकल में टाइम इंटरवल दिया हुआ था पॉइंट जीरो जीरो वन सेकंड इसलिए दिया था कि आप फोर्स निकाल सको और फोर्स एवरेज आ जाएगा देखो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है इंपल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर फॉर्म में निकाल देता हूं इंपल्स की वैल्यू लिखेंगे हम 4.8 कितना था 4.8 था 4.8 पॉइंट इंपल्स था आई कैप डायरेक्शन डिवाइड कॉन्टेक्ट टाइम गिवन है कितना पॉइंट जीरो वन तो पॉइंट जीरो वन से डिवाइड कर देंगे दो जीरो और ऊपर लिया हो, तो की वैल्यू हो जाएगी एवरेज फोर्स आ जाएगा फोर एट जीरो न्यूटन डायरेक्शन आएगी आई कैप और मैंने आई कैप डायरेक्शन कौन सी ली बैट, बैट हुई है, तो है तो बैट ने बॉल को फोर्स कहां तो भी बैट ने बॉल को प्रोवाइड किया वो भी इसी डायरेक्शन में वो कितना प्रोवाइड किया फोर पॉइंट एट न्यूटन सेकेंड क्लियर तो यहां पर यह हमने न्यूमेरिकल किया अच्छा अब जहाँ वेक्टर फॉर्म हो फिजिक्स में ध्यान रखें वेक्टर फॉर्म को हमेशा वेक्टर फॉर्म में विद डायरेक्शन विद वेक्टर लिखें आप आई कैप जे कैप के कैप का यूज़ करें और प्रॉपरली आप डायरेक्शन की जो वैक्टर क्वांटिटीज उनको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो प्रॉपर आपका आंसर सही आएगा प्लस आ रहा है तो आपकी एक डायरेक्शन माइनस आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाता है तो वैक्टर क्वांटिटीज में वैल्यू के साथ साथ क्या पूछी जा सकती है डायरेक्शन और डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है जब इनको हम वैक्टर फॉर्म में लिखें और वेक्टर फॉर्म में लिखकर इनका प्रॉपर साइन के लिए जो आपने ये यूनिट कैप यूज किया है यूनिट वेक्टर यूज किया है ये इनकी डायरेक्शन के लिए होते हैं तो यूनिट वैक्टर्स का यूज करते हुए आप वैक्टर क्वांटिटीज को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो राइट तो वेक्टर क्वांटिटीज को हमेशा वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें ताकि आपको रिजल्ट में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मिल जाए क्लियर चलो ये हमारा न्यूमेरिकल आपने देखा ये वाला इस तरह से तो इंपल्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया चेंज इन मोमेंटम और इसको कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थियोरम वो इंपॉर्टेंट थी उसी का यूज हो रहा है क्लियर नाउ नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट <coughs> हम बात करें कि इम्पल्स जो हमने प्रोवाइड किया है इम्पल्स के लिए हम कह सकते हैं बात कि इंपल्स के लिए एक प्वाइंट हम कह सकते हैं जो फोर्स आपने लगाया है द टोटल इफेक्ट जो फोर्स लगता है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स जो फोर्स आपने लगाया ऐसे हैमर से हिट किया बैट से बॉल को हिट किया तो फोर्स का इफेक्ट क्या है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स यू भी हम इंपल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इंपल्स क्या है इंपल्स फोर्स ने जो इफेक्ट दिखाया अपना उसको भी हम इंपल्स कहते हैं राइट right? अब इंपल्स के लिए फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया राइट right? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इम्पल्स का इसके एग्जाम्पल्स के साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पल्स के एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं और उन एग्जाम्पल्स के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको क्लियर होगा तो इम्पल्स आपको समझ में आ गया जो फोर्स का इफेक्ट आ रहा है अब इम्पल्स क्या होता है इम्पल्स आपने पढ़ा आई इक्व टू आई टू आपने पढ़ा फोर्स एवरेज इनटू टाइम और इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम भी होता है डेल्टा पी ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा आपने राइट right? तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो फोर्स एवरेज अगर निकालेंगे तो डेल्टा टी डेल्टा टी फोर्स एवरेज क्या आया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या लिखा है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी फोर्स एवरेज क्या होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये फोर्स है क्लियर तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि डेल्टा पी जो है मोमेंटम में चेंज ये तो फिक्स है जो मोमेंटम में चेंज आता है ना इसको आप फिक्स कर लो डेल्टा पी जो मोमेंटम में चेंज आने वाला है ये तो है कांस्टेंट तो अगर डेल्टा पी मैं कांस्टेंट कर दूंगा तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखा था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी तो डेल्टा पी तो कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स फोर्स टाइम इंटरवल के इनवर्स प्रपोर्शन in है इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि फोर्स जो होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है व्हेन 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 डेल्टा डेल्टा पी पी इज कांस्टेंट और क्या है इंपल्स इंपल्स प्रोवाइडेड या इंपार्टेड जो होगा जो इंपल्स दिया जा रहा है वो कांस्टेंट होगा ठीक है तो इंपल्स अगर कांस्टेंट है डेल्टा पी अगर कांस्टेंट है तो फोर्स टाइम के साथ इनवर्स का रिलेशन लगता है ठीक है ना इंपल्स को कॉन्स्टेंट कर दिया तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट हो गया तो फोर्स और टाइम में कैसा रिलेशन होगा इनवर्स का और ये भी आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी तो डेल्टा पी मैंने कॉन्स्टेंट रख दिया तो इम्पल्स को कॉन्स्टेंट रखना है चेंज इन मोमेंटम को कॉन्स्टेंट रखते हुए फोर्स और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है इनवर्स का अब बताओ डेल्टा टी इंक्रीज करें कॉन्सेप्ट देखना ध्यान से बच्चों डेल्टा टी कॉन्टेक्ट टाइम को इंक्रीज करें तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो आपको इन एग्जाम्पल्स में आगे समझ में आएगा डेल्टा टी कॉन्टेक्ट टाइम को क्या करना है कम करना है डेल्टा टी कम करेंगे फोर्स की वैल्यू डेल्टा टी कम करोगे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और डेल्टा टी अगर बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना है डेल्टा टी हम बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स में आप समझें ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने इनको देखो आप ध्यान से समझ में आएगा कैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है और कैसे फोर्स कम हो जाता है पहला एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखो अ क्रिकेटर लोअर्स हिस हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल सो एज टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल ऑफ मोमेंटम चेंज कॉन्सिक्वेंटली द एवरेज रिएक्शन एवरेज रिएक्शन फोर्स ऑन हिस हैंड्स डिक्रीजेस सो ही कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट क्लियर है आपको ये पढ़ो एक बार एग्जाम्पल ध्यान से वापस पढ़ो अ क्रिकेटर लोअर सिज हैंड्स अ क्रिकेटर लोअर सिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल सो टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल हमने क्या पढ़ा रिलेशन टाइम इंटरवल का रिलेशन क्या पढ़ा था हमने टाइम इंटरवल का क्या रिलेशन पढ़ा टाइम इंटरवल को इंक्रीज करके फोर्स को डिक्रीज कर सकते हैं तो प्लेयर ने यही किया प्लेयर ने क्या किया बॉल सो एज टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल ऑफ मोमेंटम चेंज कॉन्सिक्वेंटली द एवरेज रिएक्शन फोर्स ऑन हिस हैंड डिक्रीजेस अब बॉल आएगी बॉल तो आ ही रही है कैच करना है उसको तो बॉल आएगी कैच करना है तो फाइनली बॉल तो कैच होकर रुक जाएगी ना तो बॉल स्पीड से आ रही है अब उसकी स्पीड सपोज कर लो 50 मीटर पर सेकेंड है और बॉल आके रुक गई ठीक है तो फाइनल मोमेंटम तो क्या हो गया जीरो इनिशियल मोमेंटम क्या है बॉल का मास और स्पीड क्या है 50 तो फिक्स है बॉल 50 की स्पीड से आएगी तो मास इनटू वेलोसिटी ये उसका मोमेंटम हो गया इनिशियली अब बॉल हाथ में आने के बाद रुक जाएगी ना तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया जीरो ठीक है तो चेंज इन मोमेंटम फिक्स होता है अब चेंज इन मोमेंटम फिक्स है मतलब जो बॉल हाथ को इंपल्स देगी वो भी फिक्स है अब इंपल्स देगी फिक्स है तो हमने क्या रिलेशन पढ़ा कि इंपल्स फिक्स है डेल्टा भी फिक्स है फिक्स मतलब कॉन्स्टेंट है क्योंकि बॉल का मास फिक्स है बॉल के आने की स्पीड फिक्स है तो आपके पास हाथ में आगे रुक जाएगी तो रुकने के बाद भी स्पीड जीरो फिक्स है ना वो तो तो चेंज इन मोमेंटम बॉडी का जो है वो तो कांस्टेंट है अब चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ाकर हम फोर्स को कम कर सकते हैं अगर उसके जो मोमेंटम में चेंज का अगर हम टाइम बढ़ा दें तो हम फोर्स को कम कर सकते हैं ठीक है थीके? तो हमने टाइम बढ़ाने के लिए पहला एग्जाम्पल क्या पढ़ा टाइम बढ़ाने के लिए हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा जो प्लेयर होता है वो बॉल कैच करते टाइम बॉल की स्पीड को जीरो होने के लिए थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करता है जब वो अपने है जो अपने हैंड्स हैं उसको पीछे पुश कर लेता है तो बॉल को जीरो होने में थोड़ा टाइम बढ़ेगा थोड़ा टाइम बढ़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यही तो पढ़ा हमने कॉन्सेप्ट क्या था टाइम बढ़ने से फोर्स क्या हो जाता है कम हो जाता है अब वो प्लेयर बॉल आ रही है मान लो अब बॉल आ रही है प्लेयर को कैच करनी है तो वो इतना सिस्टम क्यों अरेंज करे इतना इतना तैयारी क्यों करें वो सीधा ही हाथ लगा देना बीच में तो बॉल आ रही है सीधे हाथ से आके टकराएगी या सीधा हाथ से पकड़ ले तो अगर एक हाथ से पकड़ेगा और सीधी पकड़ेगा बिना हाथ पीछे किए तो उसके हाथ पे तेज लगती है फोर्स बढ़ गया टाइम कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा और टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा तो क्या करता है इजीली थोड़े हाथ पीछे करता है टाइम बढ़ाता है तो फोर्स क्या हो गया हाथ पे लगने वाला कम हो गया और वो सीधी बॉल आ रही सीधा हाथ बीच में डाल देगा तो बॉल आके टकराई तो बॉल आके टकराई तो क्या हुआ टाइम कम फोर्स ज्यादा ठीक है तो इनिशिएट इंस्टेंटली अगर उसका मोमेंटम जीरो होगा तो टाइम कम फोर्स ज्यादा और टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स कम यह कॉन्सेप्ट है अब यह कॉन्सेप्ट पहला एग्जाम्पल आपने समझ गया दूसरा एग्जाम्पल देखो गाड़ियों में आपने देखा है शॉकर्स लगाए जाते हैं गाड़ियों में क्या होते हैं शॉकर्स शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स टू अवॉइड जर्क्स वही बात है जो बॉल अपने हाथ पे इंपल्स दे रहा है ऐसे गाड़ियों में जब आप जब आप किसी पत्थर वाले या रस्ते पे जाते हो कोई पत्थर बीच में आता है या कुछ आपका रोड खराब है तो आपकी गाड़ी एकदम से आपको उछाल देती है उछाल के आप गिरोगे तो नीचे अब नीचे की बैठोगे नीचे गिरोगे तो आपके क्या गाड़ी में लगाए हुए हैं शॉकर्स तो शॉकर्स आपको गिरने में थोड़ा टाइम बढ़ाते हैं टाइम बढ़ाते हैं इसका मतलब फ़ोर्स क्या होगा कम होगा जितनी भी लग्जरीज कार्स हैं तो उनमें क्या होता है शॉकर्स अच्छे होते हैं तो उसमें आप कंफर्टेबल ट्रैवल कर सकते हो यही जो जो कम लग्जरी वाली गाड़ियां हैं या बाइसिकल है इनमें तो शॉकर्स होते ही नहीं है तो इनमें क्या होगा टाइम कम होता है स्ट्रक करने का फोर्स ज़्यादा लगता है कंफर्टेबल किस में हो होगा शॉकर्स वाले में ताकि आप पर फोर्स कम लगे आपको हर्ट कम हो ठीक है सेम कॉन्सेप्ट देखो बफर्स आर प्रोवाइडेड इन बॉगीज टू ट्रेन टू अवॉइड जर्क्स जो बॉगीज होती है ट्रेन की इनके बीच में कनेक्ट करने के बीच में बफर्स लगाए जाते हैं तो क्या होगा जर्क नहीं आता एक पूरा प्लेटफॉर्म जो पूरा है आपका जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है दूसरे कंपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है बफर्स की हेल्प से जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं कि ट्रेन रुकी फिर एक दूसरी रुकी जर्क ज़्यादा ना आए तो दो कंपार्टमेंट्स के बीच में इस तरह का सस्पेंशन लगा होता है दो कंपार्टमेंट्स के बीच में इस तरह का सस्पेंशन लगा होता है ताकि थोड़ा सा जर्क अगर एक को रोकें तो दूसरा उसको सस्टेन कर ले तो जर्क अवॉइड होता है अगर आप बफर्स का यूज़ करोगे तो लास्ट देखो अ पर्सन जंपिंग ऑन हार्ड सीमेंटेड फ्लोर रिसीव मोर इंजरी देन अ पर्सन जंप ऑन पर्सन जंपिंग ऑन मड्डी और सैंडी रोड ठीक है अब आपको पता है आप सही सपोज करें आप जंप कर रहे हो तो आप किसी हाइट से या तीन या चार फुट से जंप कर रहे हो और नीचे बिल्कुल हार्ड सीमेंटेड फ्लोर है तो आपको पता है चांस लगने के ज्यादा है मान लो आप छत से कूद रहे हो नीचे बिल्कुल हार्ड फ्लोर है तो आपके लगेगी कन्फर्म है और यही थोड़ा सैंडी फ्लोर है बहुत सारी सैंड पड़ी है मड्डी फ्लोर है तो आपको उसमें अगर आप जम करोगे तो आप उसमें कम हर्ट हो गए इंजरी कम आएगी क्योंकि मान लो सैंडी फ्लोर है तो आप गिरे तो आपने सैंड आपकी सैंड ने क्या किया आपकी वेलोसिटी को ज़ीरो होने का टाइम दिया टाइम बढ़ा दिया और टाइम बढ़ते ही फोर्स क्या होता है कम यही सीमेंटेड फ्लोर होगा सीधा गिरोगे टाइम इंटरवल कम फोर्स होगा ज्यादा होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा समझ में आया होगा इंपल्स का आपको क्लियर हुआ होगा इंपल्स के एग्जाम्पल्स भी क्लियर हुए होंगे इनको आपको नोट करना है नोट करें एग्जाम्पल्स आपके पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स इसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी नोट करें आपको पता है इंपल्स का कॉन्सेप्ट था जो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फिर हमने इसके न्यूमेरिकल किए ये था इंपल्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन गुड बाय